नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से शाम 4 बजे दो बच्चियां घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, जो अचानक लापता हो गई थीं। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को सकुशल सतना बस स्टैंड से दस्तियाब किया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली जेपी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बच्चियों अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं। वहीं दोनों बच्चियां अपनी माता से नाराज होकर सतना चली गई थी, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। वहीं थाने में दोनों बच्चियों को माता पिता ने देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप भी देखिए इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी जेपी पटेल ने क्या बताया है। दो बच्चों को होने का मामला आया था, क्या पूरा मामला था, कहाँ से बरामद हुआ है ये? जी, आज अपने एसके स्कूल है, वहाँ से दो बच्चियाँ, एक 15 साल की थी और एक 12 साल की, जो स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं, और वो लगभग छुट्टी होने के बाद 12 बजे के आसपास घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज वो घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप जो है परेशान हो गए और काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस में आकर शिकायत किया, जिस पे हमने मामला दर्ज किया, और उसके बाद हमने अलग अलग टीमें बनाई और सभी जगह तलाश किया। तलाश के दौरान हमको रेलवे स्टेशन के पास हमको कुछ फुटेज मिले, जिसमें वो बच्चियाँ रेलवे स्टेशन के तरफ जाती हुई दिखे। उसी के आधार पे हमने सतना रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में भी तलाश करवाया और अंततः हमको जो है सतना बस स्टैंड से वहाँ से वापस आते हुए बच्ची हमको दोनों मिल गई सकुशल। क्या कुछ जानकारी मिली है, कहाँ गई थी? आप बच्चियों से पूछताछ पे ये बच्चियों ने बताया कि और मम्मी किसी बात को लेके उनसे नाराज़ थी, डांट रही थी, और उस कारण से वो डर गई थी, और डर के कारण से वो सोची कि मम्मी हमें डांटेंगी, इस कारण से डर के कारण से वो अपनी दूसरी वाली जो सहेली थी, दोनों मिल करके वहाँ से रेलवे स्टेशन रेल वो सतना तक गए थे। बस डर के मारे बच्चे ही हैं, अब उनका कोई बहुत बड़ा वो प्लान नहीं था, बस डर के मारे घर से भागना था तो चले गए थे, और फिर वो जैसे अभी क्या परिवार को समझाया, किस तरह की स्थिति थी, क्योंकि अभी भाग रही थी तो किस तरह से आपने समझाया? हमने माँ बाप को कहा कि भाई बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों के मन में हो सकता किसी बात का डर समा जाए और इस तरह से कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करें ताकि इस तरह का कोई घटना ना। परिजनों की खुशी की लहर है? हाँ, परिजन बच्चियों को सकुशल पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आभार व्यक्त किया।